I live inside my own world of make-believe. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ गेमिंग न्यूज़ के बारे में. So the first gaming news is about Resident Evil. Resident Evil के 3 के लॉन्च के बाद अभी कैपकॉम जो है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर लग चुका है. अब वो प्रोजेक्ट क्या है इसी को कन्फर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है उनकी तरफ से, बट ऐसा गेस किया जा रहा है कि नेक्स्ट उनका हो सकता है रेजिडेंट ईविल 4 का रीमेक या फिर सीरीज की कंटिन्यूशन हो सकती है. जैसे लास्ट 2017 में उनका रेजिडेंट ईविल 7 आया था, वैसे हो सकता है अब रेजिडेंट ईविल 8 आए. हो सकता है नेक्स्ट ईयर, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर ही आएगा क्योंकि अभी रेजिडेंट ईविल 3 लॉन्च हुआ है. सो ये तो बात हुई रेजिडेंट ईविल की. अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अब तक के सबसे बड़े गेम की बात होने वाली है, GTA, द नेक्स्ट GTA. तो द नेक्स्ट GTA मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इनका रॉकस्टार का एक ऑफिशियल बंदा है, एक ऑफिशियल एम्प्लॉय है, उनसे ये पता चला है कि उनकी रेडिट के किसी बंदे से बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि ये द नेक्स्ट GTA जो प्रोजेक्ट है ये अभी काफ़ी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पर है. मतलब अभी अभी शुरू ही हुआ है इस पर काम, अभी अभी कंपनी ने इसके बारे में बस शुरुआत ही की है. एंड इस साल तो इसके लॉन्च होने कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. हो सकता है 2021 के एंड में लॉन्च हो या हो सकता है उससे भी लेट हो, 2022, 2023 काफ़ी लेट हो सकता है. तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है इसके लिए. सो तब तक के लिए तो आपको GTA 5 से काम चलाना पड़ेगा. और इसकी और एक बिगेस्ट न्यूज़ ये है हमारे पास कि ये गेम आपको एक ही साथ पूरा डाउनलोड नहीं करना है. ये गेम जैसे ही लॉन्च होगा आपको उसका कुछ पार्ट डाउनलोड करना होगा, बाकी जो है आपको अपडेट्स के थ्रू उसे डाउनलोड करते जाना है. जैसे कि आपको GTA 5 के ऑनलाइन वर्जन में उसके अपडेट्स मिलते हैं, उसके अपडेटेड कंटेंट्स मिलते हैं, कंपनी कंटेंट्स प्रोवाइड करती है आपको, तो वैसे ही आपको GTA 6 में भी मिलने वाला है आप. बट ये एक हो सकता है स्टोरी मोड पर भी अपडेट हो. कितने मल्टीपल एंडिंग्स होने वाले हैं कुछ पता नहीं है अभी गेम के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, अभी एक अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पर है. अभी उतना गेम के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं. सो ये हुई GTA की भी बात. अब मैं बात करने जा रहा हूँ साइबरपंक 2077 की. बहुत ही ज़्यादा हाइप में चला गया ये गेम, आई थिंक ओवर हाइप ही हो रहा है गेम. और इस गेम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाइप जनरेटेड है ऑलरेडी, तो ये गेम लॉन्च होने से पहले ही हिट है. बट स्टिल इसकी एक न्यूज़ ये आ रही है कि जैसे ये PlayStation 5 में लॉन्च होगा, ये PlayStation 4 में भी लॉन्च होगा, जो करेंट जेन कंसोल्स हैं और जो नेक्स्ट जेन कंसोल्स हैं दोनों में साथ में लॉन्च होगा, PC पर भी होगा. बट द मेन डिफरेंस इज कि आपको ये कंसोल्स में, चाहे वो PlayStation 5, Xbox Series X, नेक्स्ट जेन पर भी आपको 30 FPS लॉक्ड मिलेगा. ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, बट कंपनी से यही अपडेट आ रहे हैं, क्रिएटर्स की तरफ से यही अपडेट्स हैं. तो ये आपको 30 FPS लॉक्ड मिलने वाले हैं PS4 पर भी और PS5 पर भी, साथ ही साथ Xbox Series X पर भी. अब जो नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आ रही है बात उन लोगों के लिए जो लोग PlayStation 4 खरीदने वाले हैं आफ्टर क्वारंटीन. तो गाइज एकदम से मार्केट मत भाग जाना, जैसे ही आपको क्वारंटीन खुलते दिखे आप तुरंत मार्केट मत जाइएगा उसे परचेज करने, बिकॉज उसे क्या होगा, क्योंकि अभी स्टॉक्स बंद हो चुके हैं ना, टोटल मार्केट बंद है. तो जो शॉपकीपर्स के पास लिमिटेड अवेलेबल हैं इनके यूनिट्स PlayStation 4 या फिर उनके प्रो वर्जन्स के, तो वो आपको प्राइस इंक्रीज कर ही देंगे, ऑब्वियसली बात है. 3,000 से 4,000 का आपको प्राइस डिफरेंस पड़ेगा. अब 3,000 से 4,000 अगर आपके लिए छोटी बात है तो आप लोग पे करके ला सकते हो, अदरवाइज मेरे लिए तो कोई छोटी बात है नहीं. 3,000 से 4,000 वेट कर लीजिए थोड़ा, मार्केट थोड़ा और अच्छे से खुल जाने दीजिए, 3-4 दिन रुक जाइएगा, उसके बाद जाके बात कीजिएगा, उसके बाद परचेस कीजिएगा. तो यही कुछ इंपॉर्टेंट गेमिंग न्यूज़ थी आज की. अगर आपको ये गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड पसंद आया है, क्योंकि ये हमारे चैनल का फर्स्ट गेमिंग न्यूज़ है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ना उससे आपका कुछ जाएगा ना मेरा कुछ जाएगा. सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए और क्या ही करना है, गेम्स खेलिए, एंजॉय करिए. अगले वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.